गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो मेरा नाश्ता यानी कि लंच नहीं बोलेंगे, नाश्ता ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने अभी सब्जी पराठा बनाया है और बाबू मेरा स्कूल गया हुआ है, तो उसको मैंने टिफिन में भी सब्जी पराठा लगा दिया है। और पति देव भी अपने ऑफिस चले गए हैं और मेरा काम अभी सारा बिखरा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से उठो तो थोड़ा सा भूख लग जाती है। तो रुकिए, मैं नाश्ता ले लेती हूँ। मेरा किचन वगैरह सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, और पराठा। तो ये है मेरी भिंडी की सब्जी और पराठा। तो चलिए मैं भी कुछ खा लेती हूँ, फिर इसके बाद काम भी करना है, क्योंकि बिना खाए तो काम तो होता नहीं है। तो आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि आज मैं अकेले खा रही हूँ। डेली बाबू होता है तो बाबू के साथ खा लेती हूँ, लेकिन आज अकेले खा रही हूँ तो आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ और खा भी रही हूँ। तो बाबू मेरा आएगा 12:30 के समथिंग, तब तक हमारा ये नाश्ता रहेगा, काम भी कर लेंगे। लंच मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि केवल सब्जी पराठा मैंने बनाया था तो बाबू तो रिपीट खाने वाले नहीं हैं, तो उनके लिए दाल चावल बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ, झाड़ू लगाने के लिए काम भी मुझे करना है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और मैं आ गई नहा कर, लेकिन नहा कर बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। देखिए मैं नहा कर आई हूँ, फिर भी मेरे ये पसीना बह रहा है। ये बरसाती गर्मी बहुत बेकार होती है, इतनी बेकार गर्मी होती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और क्या बोलूँ मैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ। ये मैंने लगा ली है भिंडी, और चल कर थोड़ी देर लेटूंगी, बालों को सुखाऊंगी और देखती हूँ खाना क्या बनाती। लगता है फोन आया। हाँ जी, हाँ 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 भैया, एक दो दिन में उठा लेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये फ़ोन आया था टीवी वाले भैया का, तो बोल रहे थे टीवी बन गई है उठा लें, तो मैंने कहा हाँ उठा लेंगे एक दो दिन में। कल मैंने डालकर बनाई थी, आलू चीनी डालकर बनाया था, बहुत अच्छी बनी थी। तो सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तहरी भी मेरी थोड़ी बची हुई है, और देखती हूँ पराठे कितने बचे हैं। पराठे भी मेरे बचे हुए हैं, चलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि और मैं चली हूँ पानी पीने, गर्मी मेरे को बहुत लग रही है, आप भी आ जाइए और पानी पीजिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत बहुत बहुत।
और ये लिया हुआ है पालक, जिसकी सब्जी बनाऊंगी आज शाम, मूली पालक दोनों बना, पालक बनाऊंगी रसेदार और मूली की बनाऊंगी सूखी। अब ऐसे ही मैं लेट कर थोड़े से अपने बालों को सुखाऊं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब शांति से लेटूंगी ना तभी बाल सूखेगा। और ये शाम के 4 बजे हुए हैं, मौसम देखिए कितना अच्छा है, इतना अंधेरा हो गया लग रहा बारिश होने वाली है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और ये मेरे बैठे हुए हैं लक्ष्य जी, बाबू इधर देख, और जैसे मैं कपड़े उतारने चली तैसे बारिश एकदम बहुत तेज़ी से आ गई है। अब आप लोगों को दिखा तो सकती नहीं लेकिन आवाज़ सुना सकती हूँ। आ रही ना आवाज़ बहुत तेज़ी से हुई, और झटपट मैं कपड़ा लेकर चली आई। अब देखिए जो इसमें से गीले हैं इनको एक साइड करूँगी, और यहाँ पर मैं जो हूँ गीले कपड़े अलग कर दूँगी और सूखे कपड़े अलग उठा कर रखूँगी। और ये जो गीले कपड़े हमारे हैं मैं सारे कपड़े अपने गेट पर ही फैलाती हूँ, कुछ गेट के अंदर फैलाती हूँ, कुछ गेट के बाहर, कुछ गेट के ऊपर। तो इस तरह से हमारे सारे कपड़े जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये गेट के पीछे मैं जो अपने बाबू की जो हाफ लोवर टाइप में होती है तो उसको फैला रही थी, और ये हमारे सूखे कपड़े हैं जिनको मैं उठा कर रख दूँगी। तो इस तरह से हमारा काम होता रहता है। और ये बाहर की बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही, बहुत तेज़ी से हो रही है। और मैं यहाँ बैठी हूँ अपने गेट के पास, बारिश का आनंद ले रही हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी सब्जियों को काटने के लिए। तो सबसे पहले मैं मूली की सब्ज़ी काट लूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे जो है पालक को भी छांटना है। पालक को छांट कर बॉयल करके उसको या तो अभी बना लूँगी नहीं तो फिर मॉर्निंग में बनाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि रात में मैं दाल बना लूँ। तो पालक को जो है मैं यानी कि छांट कर अलग करके और इनको जो है अलग रख दूँगी, क्योंकि बाद में इन्हें उबाल कर मैं फ्रिज में लगा दूँगी ताकि इसको मॉर्निंग में मैं बना सकूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं छांट लेती हूँ अपनी पालक। और हमारे आंगन में इतना मतलब इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि मैंने आंगन को अपनी ढाँक रखा था, जो फाइबर वाली टीन होती है उससे भी, पॉलीथीन से भी, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो पानी आ गया हमारे आंगन में, कहीं ना कहीं से आ गया। तो मैं इसी को वाइपर से साफ़ कर रही थी कि साफ़ हो जाए और सूख जाए, वरना स्लिप करके गिरने का डर होता है और फिर पानी में पैर जाते हैं तो इधर उधर मतलब सब्जी के चारों तरफ गीला गीला सा हो जाता है। ये समझ लीजिए अगर काम करना चाहो तो सारा दिन का काम हो जाता है, नो आराम, काम ही काम नो आराम। और ये बाबू मेरा कोचिंग गया था तो ये डायरी अपनी मतलब ऐसे ही छोड़ गए, तो मैं उन्हें देख रही थी कि मतलब डायरी का वर्क देख रही थी कि क्या मिला क्या नहीं मिला है। और यहाँ मेरी चाय रेडी हो रही है तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि शाम टाइम हो गया है, 5:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पी लूँ फिर इसके बाद अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अब साड़ी मैं ज़्यादा देर नहीं पहन पाऊँगी, साड़ी मुझे उतारनी पड़ जाएगी क्योंकि साड़ी पहन नहीं पाऊँगी मैं ज़्यादा देर। अच्छा चलिए रुकिए फिर आप लोग। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी सब्जियों को धो कर रखने के लिए, मैंने बताया था ना जैसे कि अभी चाय पीने के बाद मैं सारी सब्जियों को धो कर रख दूँगी, थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और मूली की सब्जी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और जीरा, हींग और मिर्च से छौंका लगाया है, आलू है और मूली है, नमक डाल दिया है, हल्दी वगैरह मैं कोई मसाला नहीं डालती, केवल सूखी भुजिया बना रही हूँ। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल, एकदम सिंपल सी, हल्दी नमक डालकर उसको मैं चढ़ा दूँगी। मैं नहाकर आ गई हूँ, डिनर मेरा हो चुका है और बस अब
दूध लेने की बारी है। ये दूध जा रहा मेरे बाबू के पास। लो भैया उठ के पियो, उठ के गिर जाएगा। और एक रखा हुआ है और ये रहा मेरा, तो मैं भी पी लेती हूँ। मेरा क्लेचर और ये लगाऊंगी अब हेयर वैन, ताकि कूलर चलेगा तो बाल नहीं फंसेंगे, नहीं तो वैसे मेरे बाल फंस जाते हैं, तो इनको मैं ऐसे लगा कर सोती हूँ ताकि मेरे बाल फंसे ना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम, बाय बाय।